आज हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि कई बार कई अच्छी चीजों को भी नकारा जाता है, कई अच्छी चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान। जैसे एक महात्मा ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, उनको जब पूछा कि भाई इतनी अगर आप कहते हैं कि ज्ञान है और सारी चीजें है तो फिर इतनी लड़ाई क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है, तो उन्होंने कहा अज्ञान के कारण है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले एक अंधेरे कमरे में दो लोग एक दूसरे से टकरा जाए और टकराने के बाद एक दूसरे को मारना शुरू कर दे और अचानक लाइट आ जाए और उनके ध्यान में आ रही है तो मेरा भाई है और वो अपने एक दूसरे के गले मिल जाए, उसी प्रकार से हमारे मन में अज्ञान है जो अज्ञान हमको समझने नहीं देता कि ये सारे लोग हमारे हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो फिर कोई हिंसा नहीं बचती। उसी प्रकार से हम जब गवर्नेंस का काम करते हैं तो गवर्नेंस में गवर्नेंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होता है वो सबको साथ में लेकर डिसीजन मेकिंग करता है, थोपता नहीं है। और कई बार ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समय लगता है, किंतु जब डिसीजन मेकिंग ये सब लोगों को साथ में लेकर विचार करते हुए हम लोग करते हैं, जब लोगों को लगता है कि वी आर द स्टेक होल्डर्स, हमारी बात सुनी गई है, फैसिलिटेशन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, तो ऐसा जो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होता है वो हमेशा फलदायी भी होता है और यशदायी भी होता है। और इसलिए गवर्नेंस का सबसे बड़ा अगर कोई इंग्रेडिएंट होगा तो पार्टिसिपेशन है। और कई बार हम लोग और विशेष रूप से हमारे देश में चाहे वो नेता हो चाहे अफसर हो, हम सभी की मानसिकता यह होती है कि मुझे तो सब पता है, ये आकर क्या बताएंगे। और जब तक ये मानसिकता होती है आई विल प्लान फॉर अदर्स, ये तो सारे गरीब लोग हैं, इनको घर देना मेरी जिम्मेदारी, इनको समझता नहीं, मैं तो अच्छा घर इनको देना चाहता हूं, नहीं बनेगा घर। लेकिन उनको साथ में लेकर आपको घर क्यों चाहिए, मैंने क्या योजना लाई है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, ये जब हम समझाते हैं। मुझे याद है कि 1997 में मैं मेयर था और हम लोगों ने उस समय तय किया कि नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्र में हम लोग हर घर शौचालय तैयार करेंगे। और एक शहर के अंदर पुराना एक गांव था, हमने कहा वहां से शुरुआत करेंगे, वहां पर एक भी टॉयलेट नहीं था, एक भी टॉयलेट नहीं, शहर था लेकिन शहर में 22 गांव आए थे, उनमें से वो गांव था। और वहां पर मैं गया और पहले लोगों से बातचीत की और मैंने उनको बताया कि आपको सिर्फ 365 रुपए देने हैं, बचे हुए पैसे हम देंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपके घर का एक आदमी ये शौचालय बनाते हुए काम करेगा हमारे साथ। तो पहले चार परिवार सामने आए और जब वो चार परिवार का शौचालय बनते हुए अन्य लोगों ने देखा तो धीरे धीरे सारे लोग सामने आना शुरू हुए। अब 365 रुपए मायने नहीं रखते थे, वो तो मैं भी दे सकता था, जब कॉरपोरेशन उस समय 5,000-7,000 रुपया खर्चा कर रही थी तो 365 रुपए भी खर्च कर सकती थी, किंतु हमने उनसे थोड़ा पैसा भी लिया, थोड़ा श्रम भी लिया और पहले चार शौचालय तैयार होने के बाद गांव के सारे लोगों को लगा कि ये तो अच्छा है। और उसके बाद उस गांव के हर घर में शौचालय तो बना, लेकिन वहां की अनपढ़ महिलाएं वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी और उन्होंने हर स्लम में जाकर शौचालय का महत्व क्या है और क्यों उसको बनाना चाहिए ऐसा उस समय बताया और नागपुर शहर में 14,000 शौचालय हम लोग उस समय बना पाए। ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है।